import of goods and services. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग टैक्सेशन एक्टिवेट करेंगे. टैक्सेशन एक्टिवेट करने के बाद हम लोग इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसको इंपोर्ट्स बोलते हैं. बाहर से कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो वो इंपोर्ट में आता है हमारा. और डिस्प्ले में GST R2 के अंदर स्टेट रिपोर्ट और GST R2 के अंदर ये हमें इंपोर्ट सेक्शन में दिखाई देगा. अब डिपेंड करता है अगर हमने गुड्स इंपोर्ट किए तो यहाँ पर आएगा और सर्विसेज इंपोर्ट करी तो यहाँ पर आएगा. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ गुड्स इंपोर्ट कर लेते हैं. बाहर आएंगे हम लोग अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे और कुछ लेजर्स बनाते हैं. सबसे पहले मैंने लेजर बनाया जैसे जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं. हम लोग एक डीलर बना लेते हैं, डीलर फ्रॉम अदर कंट्री. ये हमारा आउटसाइड डीलर है और इसके लिए संडिक क्रिएटर हो जाएगा. ये हमारा यहाँ पर इसका कंट्री चेंज कर देंगे हम लोग, USA कर देते हैं. परचेज करें तो एक परचेज या इंपोर्ट का लेजर हम लोग बनाएंगे. परचेज अकाउंट में जाएगा ये हमारा, यहाँ पर गुड्स कर देंगे. परचेज पर IGST लगता है तो इसके लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाकर GST और इंटीग्रेटेड टैक्स हम लोग लगाएंगे. एक आइटम बना लेते हैं जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट आइटम बना देते हैं. और सी करके यहाँ पर इसके लिए यूनिट ऑफ मेजर पीसेज में बना देते हैं. यहाँ पर इसको यस कर देंगे. इंपोर्ट के लिए HSM कोड हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर. ऑन वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा. सपोज इसकी रेट 18% है टैक्सेशन रेट, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग और बाहर आ जाएंगे. अब हम लोग एक अकाउंटिंग वाउचर एग्जीक्यूट करेंगे. उसके लिए सबसे पहले हम लोग परचेज में जाएंगे, यहाँ से डेट चेंज करेंगे 1 जुलाई 2017. परचेज इंपोर्ट वन, पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं और आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं. सपोज़ ये 10 पीसेज हैं, 10,000 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास आ रहा है. यहाँ पर हम लोग परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे. जब हमने परचेज कर लिया अब परचेज के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर हमारा कस्टम ड्यूटी लगेगा तो हमें कस्टम ड्यूटी का एक लेजर बना पड़ेगा. यहाँ पर ऑल सी करके हम लोग कस्टम ड्यूटी का लेजर बना देते हैं. कस्टम ड्यूटी ये हमारा परचेज अकाउंट में जाएगा. यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे हम लोग और यहाँ पर GST एप्लीकेबल गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू कर देंगे. ये हमारी जो टोटल अमाउंट है उसका 10% होता है तो उसको यहाँ पर 10% डाल देंगे. ये हमारा कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट हो गया. इसके अलावा इस पर एक दूसरी चीज़ लगेगी, एजुकेशन सेस. ऑल्ट सी करके हम लोग यहाँ पर एजुकेशन सेस का एक लेजर बनाएंगे और ये ऑन कस्टम ड्यूटी होता है. ये भी परचेज में जाएगा. यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे हम लोग GST और गुड्स में आ जाएगा हमारा बेस्ड ऑन वैल्यू. ये हमारा कस्टम ड्यूटी का 3% होता है तो इसको 3% कर देंगे. सीधे से कैलकुलेट करके लिख देंगे हम यहाँ पर 300 रुपीज़. अब इसके ऊपर हम IGST लगाएंगे जो इन टोटल्स पे लगेगा. टोटल अमाउंट 1,10,000 और 300 रुपीज़ इस टोटल पर हमारा 18% IGST लगेगा. इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग
आप शिपिंग डिटेल बिल एंट्री वगैरह डालनी है तो ये डाल सकते हैं हम। और इसकी टैक्सेशन डिटेल देखनी है तो हमें यहाँ से पूरी डिटेल इसकी दिखाई दी जाएगी। 1 लाख रुपीज़ बिल अमाउंट थी, 10,000 रुपीज़ हमारा कस्टम ड्यूटी था और 300 रुपीज़ एजुकेशन सेस था जो इस कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगा है। टोटल अमाउंट पे हमारा 18% IGST चार्ज हुआ है, 19,000 और ये समथिंग अमाउंट, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी परचेज हो गई। इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेट रिपोर्ट, GST R2 और ये हमारा परचेज आ गया। अब अगर हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करना है अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, परचेज, यहाँ से हम एक पार्टी बना लेते हैं, सपोज सेम पार्टी हमने इसी को सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऐसा ना करके अब हम इसको एज वाउचर कर लेंगे। हमने बोला हम इसी पार्टी से सर्विसेज ले रहे हैं, सपोज हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं 50 लाख रुपीज़ की और उस पर 18% हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं टैक्सेशन के साथ अमाउंट 59 लाख रुपीज़, ये हमने डाल दिया। ये हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा जो सर्विस है, ऑल्ट सी करके हम यहाँ पर एक सर्विस का लेजर बना लेते हैं। कुछ भी सर्विस हो सकती है, ये हमारा परचेज है, परचेज अकाउंट में जाएगा और यहाँ पर इसको यस करेंगे, इस पर टैक्सेशन ऑन करना पड़ेगा। हमने इसकी डिटेल डाल दी GST में। एक्सेशन कोड डाल देंगे यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे परचेज टैक्सेबल या इंपोर्ट टैक्सेबल। यहाँ पर 18% एक्टिवेट कर डाल देंगे इसके ऊपर, सर्विसेज आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हम 50 लाख डालेंगे और 9 लाख रुपीज़ उस पर IGST हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग सर्विसेज परचेज करते हैं। बाहर आ जाएंगे डिस्प्ले में, ये हमारी सर्विसेज की ट्रांजेक्शन थी जो कि हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनवॉइस के अंदर हमारी शो हो रही है। 50 लाख रुपीज़ की सर्विसेज थी और 9 लाख रुपीज़ उस पर IGST लगा है। इस तरीके से दोनों चीज़ हम कर सकते हैं इसमें।